बिग बॉस के घर में कई तरह के कंटेस्टेंट्स आते हैं। इन कंटेस्टेंट को पुराने बिग बॉस में रहने वाले सदस्यों से काफी बार कंपेयर भी किया जाता है। कुछ नई दोस्तियां ऐसी होती हैं कि पुराने बॉन्ड की याद दिलाने लगती हैं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। शो में कुछ ऐसा नजर आ गया कि लोगों ने उसे फेक कहा तो कुछ रियल बॉन्ड समझने लगे, जैसे कि विशाल और कटारिया का। जहां साई और अदनान ये कहते हैं कि ये दोनों तो शो के पहले दिन ही दोस्त बन गए, तो इनके जो दोस्ती है, जो ये भाईचारा है, ये फेक है। और ये खुद को अगर अभिषेक और एडवर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये गलत है, यानी कि अगर उनकी तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो नहीं पाएगा। जी हाँ, बहुत से लोगों ने ऐसी बात भी कही थी कि कटारिया और विशाल लोगों को कहीं अभिषेक और एल्विस की दोस्ती की तरह याद दिलाना चाहते हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर खुद अभिषेक मल्हन का क्या सोचना है ये आपको बताते हैं। जी हाँ, अभिषेक से एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टली इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि बहुत से लोगों ने उन दोनों को, यानी कि विशाल पांडे और लवकेश कटारिया को, आपके अभिषेक मल्हन और एल्विस यादव की दोस्ती से कंपेयर किया, बॉन्ड से कंपेयर किया, तो उसके बारे में आखिर आप क्या कहना चाहेंगे? और एल्विश के साथ जो दोस्ती आज भी है आपकी, उस पर आप क्या कहेंगे? अभिषेक ने जो उसके ऊपर रिप्लाई दिया है वो बहुत ही सटीक भी दिया, तो लोग कुछ शायद पसंद भी ना आए। यहाँ पर अभिषेक ने ये कहा कि अगर वाकई विशाल और कटारिया की दोस्ती वैसी होती तो वो दोस्त अपने दोस्त के लिए स्टैंड जरूर लेता। अगर दोस्त ने थप्पड़ खाया है तो दूसरा दोस्त थप्पड़ मारता जरूर। जी हाँ, अभिषेक ने वाकई बहुत बड़ी बात कही है। अभिषेक ने कहा है कि अगर शो के अंदर, यानी कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के दौरान मेरे दोस्त एल्विश के साथ अगर ऐसा होता, कोई उसे मारता, कोई कुछ गलत करता, तो मेरा भी हाथ उठ जाता, मैं अपने दोस्त के लिए उस तरह से स्टैंड लेता। और अगर विशाल कटारिया की दोस्ती वैसी है तो लोग कंपेयर करें या कुछ भी कहें, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्ती के लिए उस तरह स्टैंड नहीं लिया गया तो वही दोस्ती का, उस बॉन्ड का कोई फायदा नहीं और ना ही कंपैरिजन का। अभिषेक ने ये भी यहाँ पर कहा है, जब उनसे ये बोला गया कि एल्विश के साथ आज भी वैसी दोस्ती है आपकी या नहीं है, तो एल्विश के बारे में और अपनी दोस्ती के बारे में अभिषेक ने कहा कि हम आज भी दोस्त हैं, बस फर्क अब इतना है कि वो अपनी लाइफ में बिजी और मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, एक दूसरे से इतना कनेक्ट होने का हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जो वो दोस्ती बिग बॉस के घर में हमने निभाई, वो दोस्ती आज भी है और प्यार हमेशा रहेगा। वेल, देखा जाए तो भाईचारा ऑन टॉप तो अभिषेक और एल्विश के बीच ही नजर आया था। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बनाओ बिल्कुल भी ना जाएं।